मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। लोक अदालत में निपटाए गए सैकड़ों मुकदमे, जिले भर में 52 बच्चों के माध्यम से दिया गया न्याय, लोगों को आपस में बैठाकर मामलों का करा निस्तारण। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से देश भर में लगाई जा रही लोक अदालत के तहत अजमेर में भी लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत के माध्यम से सैकड़ों मामलों का निस्तारण किया गया। न्यायाधीशों ने लोगों को समझाइश कर विभिन्न मामलों में सुलह कराई। शनिवार को सुबह से ही अदालतों में भारी भीड़ लगी। अदालतों द्वारा फरियादियों को नोटिस देकर अदालतों में बुलाया गया। लंबे समय से कोर्ट में पड़े मुकदमों के निस्तारण के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है, जिससे अदालतों का कार्यभार कुछ कम हो सके और लोगों को भी जल्दी न्याय मिल सके। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? विधिक चेतना की ये महाक्रांति है कि हमारे संपूर्ण देश में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय में जोधपुर में और पीठ जयपुर में भी 5 सिटिंग जजेस आज इस लोक अदालत के काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ हमारे अजमेर न्यायिक क्षेत्र में भी हमने 11,500 से ज़्यादा मुकदमे आइडेंटिफाई किए। कंपाउंडेबल केसेस के अलावा हमने प्री लिटिगेशन के भी 2,500 से ज़्यादा मुकदमे आइडेंटिफाई कर रखे हैं। इन मुकदमों के निस्तारण के लिए हमने पूरे ज़िले की 52 बेंचों का गठन किया है। सभी अधिकारी, हमारी पूरी टीम एकजुट होकर के काम के लिए तत्पर है और आज हम चाहेंगे कि लोक अदालत के माध्यम से, सुलह के माध्यम से लोगों को राहत मिले, खूब निपटारे हो, खूब समझौते हो और लोगों के मुकदमे ही नहीं उनके विवाद भी खत्म हो, ताकि शांतिपूर्वक सद्भावनापूर्वक समाज में एक अच्छा माहौल बने। इसके लिए हमने पूरी कमर कसी है। हमने आज की तारीख में पेशियाँ रखी हैं। करीब 75% तामील आपकी बार हुई। हमारा पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, उनके सौजन्य से हमारी तामीलें खूब हुई है। लोग आएंगे, अपनी बात करेंगे और बात करने के साथ ही सुलतारा करते हुए अपने विवाद का निस्तारण करेंगे। हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। आज पूरी टीम लगी हुई है। हमारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर है, इसकी पूरी टीम भी इस काम में सहयोग कर रही है और हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब ने मिलकर के हमारे को सहयोग दिया है। आज बैंक कर्मी, इंश्योरेंस के, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामलों के लिए भी सब बैंक वाले पधारे हुए हैं। सब इसी आशय से आए हुए हैं कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा देकर जाएं और इस लोक अदालत को हम सफल बनाएं। एवीएनएल के भ्रष्ट जगियन प्रवीण शर्मा को पहुंचाया जेल। शुक्रवार को फंसा था एसीबी के जाल में। 7,000 की रिश्वत लेते हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार। बिजली का मीटर जल्दी लगाने के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ एवीएनएल के जगियन प्रवीण शर्मा को अदालत के आदेशों के बाद जेल भेजा गया। जयन प्रवीण शर्मा ने लोहाकान के रहने वाले देवेंद्र सिंह राठौर नाम के एक उपभोक्ता से बिजली का मीटर जल्दी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने रिश्वत की मांग की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी। एसीबी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि होने के बाद अपना जाल बिछा दिया। शुक्रवार को पीड़ित उपभोक्ता लोहाकान निवासी देवेंद्र सिंह राठौर रिश्वत के नाम पर 7,000 रुपये लेकर एवीएनएल के दफ्तर पहुंचा, जहां सादी वर्दी में पहले से मौजूद एसीबी के अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही जेएन प्रवीण शर्मा रिश्वत के 7,000 रुपये लिए, एसीबी अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। कल हमने प्रवीण शर्मा नाम के एक एवीएल के कर्मचारी, जो वास्तव में टाटा पावर का कर्मचारी है, उसे रिश्वत लेते हुए 7,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध देवेंद्र सिंह और मनोहर सिंह नाम के दो बेरोजगार युवाओं ने शिकायत की थी कि वो अपना व्यवसाय करना चाह रहे थे और उसके यहाँ बिजली का काम चल रहा था फर्नीचर का। उस दौरान आके उसने धमकाया और पैसे की मांग की। हमने शिकायत पर उसका सत्यापन किया, जो सही पाई गई, और कल हमने टेप का आयोजन किया। प्रवीण शर्मा को हमने 7,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो टाटा पावर का कर्मचारी है। आज हमने उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से उसे 23 तारीख तक के लिए न्यायिक अवस्था में भेज दिया गया है। हेलो, आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है कि यदि कोई किसी राजकीय लोक सेवक से जनता परेशान है, उसे उत्पीड़ित कर रहा है, पैसे मांग रहा है, अत्यधिक परेशान कर रहा है, तो हमारे पास आए, उसकी शिकायत करें बिना किसी झिझक के, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ। मोबाइल चोर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। दरगाह थाना पुलिस की सजगता से कई मोबाइल हुए बरामद। आरोपियों पर थी पुलिस की नजर। दरगाह थाना पुलिस की ओर से मिनी उर्स से पहले अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को एक चोर गिरोह के 2 गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दोनों से पुलिस ने चोरी के कई मोबाइल बरामद किए। दोनों पिछले कई दिनों से मोबाइल की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
शनिवार को दोनों चोरी के इन मोबाइलों को एक दुकान में बेचने के लिए गए। इसी दौरान किसी ने पुलिस को दोनों के बारे में इतला कर दी। पुलिस ने सजगता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को धर दबोचा। पकड़े गए चोर में से एक रतलाम का तो दूसरा भीलवाड़ा का रहने वाला है। आगामी आने वाले मिनी ओट्स के संदर्भ में पुलिस द्वारा जेब तलाशी के संबंध में विभिन्न टीमें बनाई गई। इसी टीम के आदर्श अधिकारी श्री महेंद्र सिंह को इतला मिली कि दरगाह में छोला खंबा के पास जो व्यक्ति चोरी का मोबाइल जो उनके द्वारा बेचने की फिराक में पड़े हैं, उस पर तभी देखकर शाहरुख मेयो पुत्र से साबिया सलाम निवासी मेवातीपुरा थाना जावरा रतलाम और साबिर खान पुत्र से इमरान निवासी बिलाल मस्जिद के पीछे 5 साल चलाया बिलवाड़ा प्रताप नगर बिलवाड़ा को गिरफ्तार किया गया। उनसे चोरी के 4 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। वो बता रहे हैं उनके साथ टीम में और भी सदस्य हैं जिनके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, उनको भी दबोचा जाएगा और चोरी करने मोबाइल बरामद किया जाएगा। सर ये आरोपी पूर्व में पकड़े गए या पहली बार? इनके पहले से भी मुकदमे हैं और ये बाहर के हैं और यहाँ अंदर लाखनकोटी की तरफ निवास कर रहे हैं। ऐसे और भी कोई वारदात कंप्लीट है इन्होंने? इन्होंने और भी मोबाइल लिए हैं, इनके साथ और भी सदस्य हैं तो नाबालिग बच्चे वगैरह उनके संदर्भ में जाँच की जा रही है। आगामी मिनी उर्स मुहर्रम को लेकर क्या व्यवस्था की गई? मिनी उर्स मुहर्रम को लेकर संबंधित CNG सदस्यों की मीटिंग यहाँ हुई, इसके अलावा कलेक्ट्रेट में भी हुई और आगामी 13 के संदर्भ में सभी डिपार्टमेंटों की मीटिंग हुई है और सब अपने अपने कार्य योजना अनुसार कार्य को पूर्ण अंजाम देंगे। आम आदमी पार्टी की यूथ इकाई से जुड़े विद्यार्थी पार्टी ऑफिस में नए सदस्यों का किया गया स्वागत। नए सदस्यों ने सेवा का जताया संकल्प। आम आदमी पार्टी के विद्यार्थी शाखा CYSS कॉलेज की छात्राएं जुड़ रही है। शनिवार को कुछ छात्राओं ने CYSS को ज्वाइन कर विपक्ष में रहते हुए विद्यार्थियों के लिए कार्य करने का संकल्प जताया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी अजमेर के कई नेता भी है। CYSS की नए सदस्यों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। हालांकि कॉलेज छात्र संघ के चुनाव समाप्त हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के विद्यार्थी संगठन इकाई किसी भी तरह से अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाई है। आज आम आदमी पार्टी की छात्र संघ इकाई जो है CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति के तहत GGCA कॉलेज सावित्री कन्या महाविद्यालय की लड़कियों ने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है चेतना त्रिफरिया जी की अध्यक्षता में। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। एक तरह से हमारी राजनीतिक पार्टी में युवाओं को तवज्जो दी जाती है, इसलिए हम युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए काम किया है कोई भी पार्टी जो है काम करती नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए उसी से प्रेरित होकर और GGCA कॉलेज की गर्ल्स ने जो है आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और उनकी छात्र युवा संघर्ष समिति के तहत इस बैनर के तहत जो है अब वो काम करेगी। हाँ बताइए कैसा लग रहा है आपको ज्वाइन करके? ये जो CYSS है ये हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि मतलब इसके अंदर बहुत युवा शक्ति को आगे प्रेरणा दी गई है, इसलिए हम लोगों ने ये ज्वाइन करने की सोचा। इसके अंदर मेन ये नहीं है कि हम लोग विपक्ष में रहकर सारा काम करना चाहते हैं, मुझे हार का गम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विपक्ष में रहकर काम करूँ जितने भी हो सकता है। और मेरे को नहीं लगता है कि बाकी जो टीम जीती है या जो नहीं जीत पाई है वो काम करेगी या नहीं करेगी, मगर मैंने सोचा है कि काम होगा, हर हाल में हमारी तरफ से काम होना चाहिए, इसलिए इस बैनर की तरह हमने काम करने की सोचा है और जहाँ तक हो सकेगा मैं CYSS को GGCA में बहुत आगे ले जाने की कोशिश करूँगी अपने दम पर। आम आदमी पार्टी का लोगों को दिखाई काम करके? जी बिल्कुल, ये मेरा पूरा मैं मैम को प्रॉमिस देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं CYSS को तो आपको ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए किसी ने कहा है या आपने अपनी मर्जी? नहीं नहीं, ये मेरा खुद का निजी फैसला है और जितनी भी गर्ल्स है सब उनका खुद का है। हम लोगों ने केवल CYSS का जो संघर्ष है उसको देखते हुए और मैम जो इतना आगे है जैसे जो मैम है इन लोग इनका मतलब जो उनकी जो वे ऑफ टॉक है और जो इनका काम करने का तरीका है उसको लेकर के हमने ज्वाइन करा है। ये मतलब जातिवाद को नहीं बढ़ाती है, बाकी जो हमने देखा है जो पार्टीज होती है वो जातिवाद को आगे लेकर के चलती है और जो CYSS है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आम पार्टी इन सब चीज़ों से अलग हटकर है, ना जातिवाद को आगे लेकर के चलती है और ना कि पार्शलिटी नहीं है कहीं पर भी किसी प्रकार की, इसलिए हम लोगों ने CYSS ज्वाइन करने की सोचा। आपका नाम बताइए। चेतना दरपारे GGCA। चोरों ने एक मकान से उड़ाया हजारों का माल, दिन दहाड़े गुजर धरती में दिया वारदात को अंजाम, सोना और 50,000 नकद लेकर हुए 9-2-11। अलवर गेट थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई चोरी की इस वारदात में चोर मकान की अलमारी में रखे हजारों रुपए की कीमती जेवरात और 50,000 रुपए नकद राशि ले उड़े।
घटना उस समय हुई जब मकान के सारे सदस्य बाहर किसी काम से गए हुए थे। घर में एक बुजुर्ग माँ थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान में घुसकर अपना हुनर दिखा दिया। गुजर धरती में हुई चोरी की इस वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये होता कि मैं तो अपने जल्दी की डेथ हो गई थी, वहाँ पर गई हुई थी हफ्ते के अंदर, सब तीनों बच्चों को लेकर के गई हुई थी। तो उस समय मैं आई 5 बजे करीब, 5-5:30 बजे करीब आई थी। तो फिर मैंने देखा आकर के, तो हमारी मम्मी अंदर बैठी थी, बस आकर के बैठी थी, जितने में तो मैंने देखा कि अलमारी खुल रही है हमारी। उस समय यानी किसी ने चाबी निकाल करके अलमारी खोली है। खोलने के बाद में सामान निकाल करके, पैसे कैश था 50,000, वो निकाली, ज्वेलरी निकाल करके वो पीछे वाली गली से फरार हो गया। करीबन कितने लाख का? 1.5 लाख का करीब। ज्वेलरी में क्या क्या ले गया वो? ज्वेलरी में एक मेरा मंगलसूत्र था, 2 जोड़ी मतलब एक बाली थी और एक टॉप्स थे, और 2 जोड़ी पायल थी, 5 जोड़ी नाक की बाली थी। क्या मानते हैं कि कोई जान पहचान के? हाँ सर, जान पहचान का ही हो सकता है। जिस हिसाब से कितने बजे की घटना है, कितने बजे हुई थी? इस तरह से चाबी से खोला गया, चाबी से खोला गया ना, उस तरह से तो सर जान पहचान का ही है। उस समय घर पे कोई नहीं था? नहीं सर, मेरी सास अकेली थी, यानी कि कोई नहीं था, चला नहीं जाता, तो बाहर वो धीरे धीरे चलती है बिल्कुल। किसी का मकान आपका? गुजरती के अंदर मकान है, दीपान भंडार की गली में। ठीक है, आपका परिचय? आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है। और पति? आपका दुकान श्री हरी फैंसी स्टोर। आपके पति का नाम? कितने बजे? मेरे पति का नाम सतीश कुमार। कितने बजे चोरी हुई थी ये शाम? सर 5 बजे बाद हुई थी। अच्छा, आपको कब पता चला? मेरे को, मैं आई इस समय जो भी पता चला 6 बजे करीब। तो मुकदमा दर्ज कराया आपने? जी सर कराया। पुलिस आई मौके पर? हाँ सर, बाद में आई थी, यानी कि थोड़ी 10-15 मिनट बाद में आई थी पुलिस। तो उसके बाद पुलिस ने थोड़ा लिखा पढ़ा करा, यहाँ पर देखा करा, फोटो वगैरह खींची। आपका नाम बताओ? मेरा नाम कृष्णा है। युवक की मौत का नहीं सुलझ रहा है मामला। कुएं में मिली थी काबरा निवासी प्रताप सिंह की लाश। पुलिस पर लग रहे हैं सही जांच नहीं करने के आरोप। ब्यावर के निकट एक कुएं में मिली प्रताप सिंह नाम के युवक की मौत का मामला नहीं सुलझ रहा है। काबरा के रहने वाले मृतक प्रताप सिंह के परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले की सही जाँच नहीं कर रही है। परिजनों ने पुलिस अध्यक्ष को ज्ञापन देकर युवक की हत्या होने का आदेश जताया है। परिजनों का आरोप है कि थाना पुलिस मामले के तहत तक जाने का प्रयास नहीं कर रही है। परिजनों ने पुलिस जाँच अधिकारी बदलने की मांग भी की है। 28 तारीख हमें रिपोर्ट भराई, उन्होंने भी पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई की नहीं। हम हमें नहीं ढूंढा, सब कुछ अवगत कराया, नहीं अब हम 2 तारीख को वापस गए थे, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी किया तो कोई हलचल नहीं। हम प्रशासन के साथ खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रशासन मिली भक्ति, ये प्रशासन की मिली भक्ति है, हमको टोल मोटोल करते जा रहे हैं। गाड़ी पे था, सही 1.5 महीना हो गया उनके साथ ही था, और फोन किया वो घर पे नहीं आए, और इधर उधर छान पूछ की कहीं नहीं मिले। फिर क्या हुआ? ढूंढा तो कुएं में मिले हुए थे। आप किस लिए आए यहाँ पे? कुछ मेरे पति का इंजाम लेने के लिए, उसका मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे पालूंगी मैं इन बच्चों को, उसका हिसाब चाहिए मुझे। आपका नाम बताइए? मेरा नाम इंद्रा है। तोपदड़ा में शुरू हुई रामकथा, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा। कथावाचक नितिन भाई ओझा ने शुरू की थी कथा। तोपदड़ा पाल बिचला क्षेत्र में रामकथा शुरू हुई। रामकथा से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर मंगल गीत गाए। रामकथा 7 दिन चलेगी। कथावाचक नितिन भाई ओझा ने संगीत में राम कथा का शुभारंभ किया। कथा में पहले दिन बड़ी संख्या में क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। बताइए, आज रामचरितमानस राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन समन्वय संस्था और तोपदड़ा पालवीचला क्षेत्र के निवासियों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में क्षेत्र की महिला पुरुषों ने भाग लिया। आज 9 तारीख को प्रारंभ है 2 बजे से, अभी रामकथा 4 बजे तक है, और यह रामकथा 16 तारीख तक चलेगी। कौन कर रहे कथा? ये मेन काम उसका है। यह कथा सामाजिक समन्वय संस्था के संयुक्त तत्वाधान में की जा रही है, जिसमें हमारे क्षेत्र के तोपदड़ा और पालीचला के सभी का सहयोग है, और राम कथा वाचक हमारे नितिन भाई ओझा,
जो कि अपनी बहुत ही मधुर वाणी से राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। यह आयोजन तोपदड़ा क्षेत्र में गढ़वाल पैलेस में आयोजित किया जा रहा है नाम। और हमारे दिलीप जी गढ़वाल का इसमें विशेष सहयोग है। मेरा नाम श्रवण कुमार। भारत विकास परिषद की समूह ज्ञान प्रतियोगिता हुई, विद्यार्थियों ने गाए संस्कृत में गीत, सूचना केंद्र में हुआ कार्यक्रम। भारत विकास परिषद की ओर से विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए समूह गान प्रतियोगिता आयोजित की गई, सूचना केंद्र में हुई इस प्रतियोगिता में 22 स्कूल की टीमों ने भाग लिया। विकास परिषद अजमेर द्वारा अजमेर की तीनों शाखा, भारत विकास परिषद मुख्य शाखा, आदर्श शाखा, युवा शाखा द्वारा आयोजित समूह गान प्रतियोगिता का यहाँ पे आगाज है। ये समूहगान प्रतियोगिता के अंदर इस समय अभी तक 22 टीमें भाग ले चुकी हैं। इस समूहगान प्रतियोगिता में तीन तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, एक तो हिंदी गीतों की जो कि देशभक्ति से परिपूर्ण होते हैं, एक संस्कृत के गीत होते हैं और एक लोकगीत होते हैं। इस प्रतियोगिता के नियम है कि इसमें एक टीम को दो गीत गाना आवश्यक है, एक तो संस्कृत का गीत और एक हिंदी का गीत ये गाना आवश्यक है। जो इसमें प्रतियोगी विजयी रहेगा उस प्रतियोगिता को प्रांत स्तरीय जो प्रतियोगिता भीलवाड़ा के अंदर होने वाली है उसके अंदर अजमेर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, और जो प्रांत के अंदर विजयी रहते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो मुंबई में प्रतियोगिता होगी उसमें इस प्रांत का, जिसको बोलते हैं चित्तौड़ मध्य प्रांत, इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। भारत विकास परिषद इस प्रतियोगिता को इसलिए आयोजित करता है बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगे, बच्चों में सेवा की भावना जगे, बच्चों में समर्पण सहयोग की भावना जगे, इसलिए इस समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। गुजर धरती में नाले से परेशान है लोग, कई बार गिर चुके हैं बच्चे, बीमारियों का कारण भी बना हुआ है नाला। गुजर धरती में स्थित एक नाला लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। नाले के खुले हिस्से में कई बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं। नाला बदबू और बीमारियों का कारण बन रहा है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार नगर निगम में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नाले के कारण हो रही परेशानियों से लोगों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र के लोगों में स्थानीय पार्षद की उदासीनता के चलते नाराजगी बनी हुई है। हाँ भाजी, क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ पड़ोस में नाला है, उसमें से बहुत तो बदबू आती है और ना तो वह गड्ढा बंद करते हैं नाले का। इसके कारण हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, छोटे बच्चे हैं, वो नाले में गिर जाते हैं। इसी कारण से बदबू के मारे हमारे को बहुत परेशानी होती है और बीमार भी पड़ रहे हैं। शिकायत मेरी ये शिकायत है कि हमारा जो पार्षद है निर्मल कुमार बेरवा, वो हमारी सुनता नहीं है। हमने इसके चक्कर में महानगर परिषद में भी गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी आपसे यह दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ का जो गड्ढा है वो तुरंत सही करवाया जाए। कितने टाइम से गड्ढा हो रहा है? 3 महीने से, और बरसात का पानी भी खूब भर जाता है उसमें। टेस्टी हुई कुछ इसमें? 2 बार हो गई सर। लगी चोट वोट आई? चोट आई है। ये देखिए सर, आप सामने देखो, सामने देखो, इसकी कंप्लेन करी आपने? कंप्लेन कर दी सर 2 बार। तो पार्षद आया? पार्षद सुनता नहीं हमारे, आया भी नहीं मौके पर, आया नहीं मोहल्ले में। आपका नाम बताओ? मेरा नाम राजेश गौर है। किस जगह है ये? दीपचंद पान वाली की गली है। किस जगह? धरती। ठीक है। लैब कर्मचारियों की हड़ताल का असर हुआ शुरू, जेएलएन अस्पताल में जांच का काम हुआ ठप, मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लैब कर्मचारी शनिवार को तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। एक साथ कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में जांच व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इसके साथ ही अगले 2 दिन और कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार रखेंगे। कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चलाया जा रहा है। कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करने पर गुरुवार से शनिवार तक प्रदेश भर में लैब कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इस दौरान गुरुवार को लैब कर्मचारियों ने लैब के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ और मेडिकल कॉलेज के तत्वावधान में 72 घंटे का सामूहिक बहिष्कार हमने राज्य सरकार को दी। इसके पहले भी हमने गांधीवादी तरीके से 72 घंटे काम करके ब्लड डोनेशन के हमने काम किया है, और जो सरकार को असुविधा और उसके लिए हम समा जो आम जनता को असुविधा और उसके लिए हम समा चाह रहे हैं।
हमारा आंदोलन आज तीसरे दिन भी 100% किसी भी कर्मचारी ने ज्वाइन नहीं किया है और सरकार ने जो रेस्मा लागू किया उसकी हम कड़ी प्रशंसा करते हैं, निंदा करते हैं और आने वाले टाइम पे चुनाव में इसका सबक सरकार। आज क्या करा आपने? आज हमने सबने सारे डिपार्टमेंट में जाके और सबको किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया और हम सब साथ हैं। यहाँ पे हमने एक प्रदर्शन किया, प्रदर्शन का रूप हुआ मेडिकल कॉलेज से था कि आज सी एम एच ऑफिस में हमने किया। आपका नाम बताइए। उम्मेदमल टेलर, संयोजक संघर्ष समिति। 62वीं लॉन टेनिस और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का हुआ समापन। पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बांटे विजेताओं को पुरस्कार। विद्यार्थियों ने खेलों में दिखाया दम। जिले में चल रही 62वीं लॉन टेनिस और जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। समापन के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से जुड़े खेल अधिकारी भी थे। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से जुड़े विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। 62वीं जिला स्तरीय लॉन टेनिस और जिम्नास्टिक प्रतियोगिताएं का आयोजन दिया था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी भवन को, उनके ही आज जो है उत्तर के अंदर आज यहाँ पर समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिम्नास्टिक में 5 टीम गर्ल्स की है, 8 टीमें बॉयज़ की थी अंडर 14 की। वैसे लॉन टेनिस में जो है ये जो लॉन टेनिस है मेयर कॉलेज के वहाँ ग्राउंड में आयोजित किया गया था, आज उसका भी समापन समारोह है, पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है। चीफ गेस्ट है इस समारोह के आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी शेखावत पार्षद यहाँ पधारे में, एडीओ साहब हैं परमजीत शर्मा, स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य लंबा साहब। आपका नाम? रेवंत सिंह राठौर, टेक्निकल एडवाइजर जिम्नास्टिक। शेख अब्बासी समाज का परिचय सम्मेलन अजमेर में। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का लिया संकल्प, फिजूल खर्ची रोकने के लिए पैदा की जा रही है जागरूकता। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा की ओर से समाज के विकास के लिए परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। महासभा की ओर से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। महासभा की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि समाज में दिखावा बढ़ रहा है, शादी निकाह पर लोगों का काफ़ी धन खर्च हो रहा है जिसे रोका जा सकता है, जिससे समाज के लोगों पर फिजूल का आर्थिक भार नहीं आएगा, इसलिए समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक महासभा एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसकी एक शाखा हमारी आपके राजस्थान के अजमेर में है। अजमेर शाखा हमारी जो है समाज में फिजूल खर्चियों को रोकने के लिए और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य हम लोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग कल एक आयोजन यहाँ महासभा द्वारा किया जा रहा है जिसमें परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस परिचय सम्मेलन में जो लड़के और लड़कियां शादी योग्य हैं उनको अच्छा घर और वर मिले, ऐसे लोग अपना इंट्रोडक्शन यहाँ आकर देंगे और उनको एक अच्छा वर तलाश करने में, एक अच्छा बहु तलाश करने में महासभा का योगदान रहेगा। इसके साथ साथ प्रतिभाएं जो आपके राजस्थान से या जिस संभाग में जिन्होंने कार्य किया है तो प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम भी महासभा द्वारा कल आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ जो हमारे हाजी जो हज करके लौटे हैं उनको हाजियों का इस्तकबाल कल किया जाएगा और आज भी महासभा द्वारा जो है ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हम चादर पोशी करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला आयोजन ये आपके अजमेर में होने जा रहा है, संभागीय आयोजन है। तमाम प्रदेश से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ शिरकत करेंगे, लगभग 9 प्रांतों के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, बाकी लोकल हमारे लोग रहेंगे। उम्मीद ये है कि समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जिनको हम रोकना चाहते हैं, जो फिजूल खर्ची बढ़ रही है, दिखावा ज़्यादा हो गया है तो दिखावा किस तरह से बंद हो। आज ज़रूरत है समाज की सामूहिक शादी सम्मेलन और परिचय सम्मेलन उसकी ही कड़ी है कि एक गरीब परिवारों को जहां एक ही साथ एक ही मंच पर एक ही पंडाल के में हम सैकड़ों बच्चियों की शादी कर देते हैं, कम खर्च में शादी कर देते हैं, तो ये परिचय सम्मेलन उसी का एक अंग है और इंशाल्लाह जो बच्चे इसमें शामिल होंगे और जो लोग हमारे आगे का आयोजन हमारा सम्मेलन का रहेगा विवाह सम्मेलन का उसमें जो लोग शामिल होंगे इंशाल्लाह वो शादी। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर जहीर अब्बासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा। बिजली के खंभे से करंट आने से हुई 2 गायों की मौत। फोन करने के 1 घंटे बाद पहुंचे विद्युत कर्मी, गाय के मालकिन ने ठहराया बिजली विभाग को दोषी।
शहर की छावनी मार्ग पर पशु चिकित्सालय के बाहर चारागाह मैदान पर शनिवार को सुबह बिजली के खंभे से करंट आने से दो गायों की मौत हो गई। राहगीरों ने व क्षेत्रवासियों ने करंट की चपेट में आने से तड़फड़ाती हुई गाय को देखकर बिजली विभाग के कार्यालय को फोन किया, लेकिन बिजली कर्मियों के करीब एक घंटे लेट मौके पर पहुँचने से दोनों गायों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिजली के खंभे पर लगे दो तारों से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारियां निकलने लगी। खंभे के पास वाली जमीन पर करंट फैलने लगा। खंभे के नीचे खड़ी गाय अचानक खड़ी थरथराते हुए नीचे गिरी और तड़फने लग गई। संबंधित बिजली विभाग व पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद समय पर नहीं पहुंचने से दोनों काल का ग्रास बन गई। गायों के मरने की सूचना मिलने पर गाय मालकिन घटना स्थल पर आकर विलाप करने लगी। गाय मालकिन डाकूबाई ने बताया कि सुबह गाय चरने के लिए चारागाह भूमि पर गई थी, तभी खंभे से चिंगारियों के साथ करंट की चपेट में आने से दोनों गाय मर गई। दोनों गाय डाकूबाई का आजीविका का सहारा थी। गाय मालकिन ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है। इधर कैसे आ गई? मेरी बाड़ी पास से चारा खिला रही थी तो मैं भी बच गई। आता नहीं क्या हुआ? ये तो आग लग गई पेड़ खम्भे की। कितने बजे की बात है ये? 7 बजे। आपकी कितनी गाय है? 2 गाय है मेरी। तोतड़ा बैरवा बस्ती के लोग परेशान हैं एक नीम के पेड़ से। पेड़ के कारण घरों में आ रही है दरार। पार्षद लालाबाना के खिलाफ जताया रोष। तोतड़ा बैरवा बस्ती में लगा वर्षों पुराना नीम का एक पेड़ लोगों के लिए समस्या बन रहा है। पेड़ इतना फैल चुका है कि आसपास के मकानों की दीवारों में दरार पैदा हो रही है। लोग इस पेड़ को हटाने के लिए कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को स्थानीय लोग एकत्रित होकर पार्षद सुरेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताने लग गए, जबकि पेड़ को हटाने के लिए वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरी ओर पार्षद सुरेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि बैरवा बस्ती के लोगों ने ऐसे किसी भी पेड़ की समस्या के बारे में कभी अवगत नहीं कराया। और हमारा वार्ड तैयार और हमारे पेड़ हमारे यहाँ पे एक पेड़ है बैरवा बस्ती में, वो बहुत हिलता है और इतने उसमें दरार आ रही है, इतनी दरार आ रही है कि ये कभी भी गिर सकता है। और ना हमारे पार्षद और नगर निगम कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। और ये हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, हमने एप्लीकेशन भी दिया उसके बावजूद भी सुनते नहीं है। हवा चलती है तो हमें घर से बाहर बैठना पड़ता है, रात भर हम बाहर बैठे रहते हैं घर से। और हमने लिखित में शिकायत दी है उनको। क्या जवाब देते हो? उन्होंने जवाब कुछ भी नहीं दिया अभी तक हमें। कोशिश करेंगे बस, बोला कोशिश करेंगे हम, कोशिश नहीं सुनवाई, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। आपका नाम बताओ? मेरा नाम मीनाक्षी लहरी है। खबर विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें foreignlink.com, सच के साथ। दावा नहीं हकीकत है। अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले सबसे तेज केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें होराइजन हिंद न्यूज सच के साथ।